हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, जो कि फिटनेस से रिलेटेड है। मेरा चैनल भी फिटनेस से रिलेटेड है, बट मैं फिटनेस प्रोफेशनल नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं फ़िटनेस प्रोफेशनल नहीं हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फ़िटनेस प्रोफेशनल हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब पर अपनी नॉलेज उन्होंने शेयर करी है। मैं यहाँ पर जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज अगर मेरे पास है वो मैं शेयर करूँगा, प्लस मैं रियलिटी दिखाऊँगा कि एक्चुअल में जो ऑफिस वाले बंदे होते हैं, जॉब वाले बंदे होते हैं, बिजनेस वाले बंदे होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता जिम जाने का, या उनका प्रोफेशनल फिटनेस नहीं है, उनकी इंडस्ट्री फिटनेस वाली नहीं है, वो डेली रूटीन में अपनी कैलोरीज का ये सब इंफॉर्मेशन डिटेल्स वो नहीं रख सकते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको रियलिटी से रूबरू कराना। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं जानता हूँ टाइम नहीं निकाल पाते हैं, डाइट नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, आप लोग भी नहीं कर पाते होंगे। ये 90% जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि वो सारी रियलिटी आपको दिखाऊँ। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगा, आज मेरी पहली वीडियो और पहला दिन है मेरा वर्कआउट का। ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो आप इसको, आप लोगों के लिए मोटिवेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो। अभी आप मेरी फिजिक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरी जर्नी का साथ दें, मेरा साथ दें, और हम रेगुलर बेस पे एक वर्कआउट प्लान करेंगे। वर्कआउट हम उसको रूटीन में चलाएंगे और डेली मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो डालूँ, जो जो वर्कआउट मैं करूँगा वो वर्कआउट की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करा करूँगा। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, आप सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। मैं आपके साथ डाइट भी शेयर करूंगा कि मैंने पूरा दिन में क्या खाया। नॉर्मल ही डाइट लूंगा, उसमें कोई मैं प्रोटीन नहीं ऐड कराने वाला हूं, उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा, मतलब जो घर का खाना होता है ना वही खाएंगे हम, दाल रोटी चावल सब्जी सैलेड ये सारी चीज़ें। उसमें कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि आपका प्रोटीन पाउडर्स हो गए, वो कुछ भी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। इस वीडियो में जो हम करेंगे डिप्स, हम डिप्स से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 100 डिप्स कंप्लीट कर लें, वो 20 का सेट लगाएं, 10 का सेट लगाएं, 5 का सेट लगाएं, जितनी भी अपनी क्षमता होती है, आपकी क्षमता होती है, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उस हिसाब से डिप्स लगाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो अनकट वीडियो है, मैं प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, कैमरामैन नहीं हूँ, अपनी वीडियो अपने मोबाइल से बना रहा हूँ और इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं डालने वाला हूँ। अनकट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप मेरा साथ देंगे, सपोर्ट देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, बिना टाइम वेस्ट करे अपना पहला दिन वर्कआउट का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो पहला सेट लिया है वो 20 का लिया है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई। पता नहीं मेरी फॉर्म अच्छी है, मेरी फॉर्म गंदी है, प्रॉपर कर पा रहा हूँ, प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, आई रियली डोंट नो। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो। बट अगेन ये बिगिनर लगा लो, जिसकी इंडस्ट्री फिटनेस वाली नहीं है उसका काम लगा लो, कुछ भी लगा लो, बस मैं आपके सामने एक रियलिटी लेके आना चाहता हूँ। आप देख रहे हो सांस चढ़ गई है मेरे को 20 डिप्स में। बहुत कोशिश करता हूँ जिम जाने की, टाइम निकालने की, ज्वाइन करता हूँ फिर छूट जाता है, ज्वाइन करता हूँ फिर छूट जाता है। आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा, ज्वाइन करते हैं कुछ महीना, महीना दो महीना तीन महीना, कभी कभार 6 महीना कंटिन्यू करते हैं, कुछ गेंस होते हैं, फिजिक आपकी बनती है, जिम छूटते ही दोबारा से सब डाउन आ जाता है। थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेता हूँ जिससे कि नेक्स्ट सेट हम अपना ले सकें। तो चलिए अगले सेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले सेट में हम कितने रेपिटेशंस निकाल सकते हैं।
कोशिश करी दोबारा से 20 रेपिटेशंस निकालने की, थोड़ी फॉर्म गलत भी हुई होगी, एक्यूरेसी की मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी फॉर्म बहुत एक्यूरेट आई होगी, गलत भी हो सकती है, बट इसमें मेरा मोटिव आपको फॉर्म बताने का, मेरा मोटिव करेक्ट करने का आपको नहीं है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि वर्कआउट करो, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जितना माइनर और माइनॉरिटीज़ में आप जाओगे, जितना डिटेल्स में जाओगे, उतना कंफ्यूज होगे, जैसे कि मैं होता था। फिजिकल एक्टिविटी करोगे, अब बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं रनिंग के बारे में, कोई बताएगा फास्ट रन करो, कोई बोलेगा स्लो रन करो, कोई बोलेगा हील्स पे रन करो, कोई बोलेगा फीट पूरा नहीं रखना है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जितना हम कंफ्यूज होते हैं उतना हम वर्कआउट से दूर होते जाते हैं। इन सारी चीज़ों को माइंड से निकालो। अब हो सकता है आपको ये मजाक लग रहा हो, सकता है आपको गलत लग रहा हो, बट अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ रियलिटी, आप सब लोग जानते भी हैं। जितना चीज़ें माइंड में रख के चलोगे उतना कन्फ्यूज़न होगी, और जितना कन्फ्यूज़न होगी उतना वर्कआउट से दूर होते जाओगे। तो चलिए अगला सेट हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने रेपिटेशंस हमारे निकलते हैं। अभी हमारे 2020 के 2 हुए हैं, 40 हो चुके हैं, कोशिश करेंगे 100 कंप्लीट हो जाएं। गारंटी नहीं है, आई एम नॉट गारंटिंग इट कि भाई 100 कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई। पहला दिन है, लेट्स सी। अगेन दोस्तों, मैंने ट्राई किया 20 रेपिटेशंस, लास्ट में आपने देखा होगा मेरी हालत मेरी डगमगा गई थी। 20 रेपिटेशंस बहुत मुश्किल से निकले हैं, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। इज सबके साथ ऐसा होता है, मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रेपिटेशंस नहीं निकल रहे हैं, डिप्स नहीं लग पा रहे हैं। मैंने कोशिश करी 20 का सेट लेने की, आप 10 से ट्राई कर सकते हो, 5 से ट्राई कर सकते हो, बट मेन मोटिव आपको ट्राई करना है, कंटिन्यू रहना है। मेरा वीडियो बनाने का, खुद को मोटिवेट करने का भी रीज़न है। वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो बनाने के लिए मैं वर्कआउट भी करूंगा, और आपके सामने रियलिटी भी आएगी कि एक्चुअल में कैसे वर्कआउट होता है। घर पर वर्कआउट होता है, घर पर वर्कआउट करने से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है? थक गया हूँ दोस्तों, स्टैमिना बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले 2 साल से, घर से ही काम चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म थी, बीच में वॉक करना स्टार्ट किया था, अगेन बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहता है। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि वीडियो को डेली शूट किया जाए, डेली जो भी, आज डिप्स कर रहे हैं, कल हो सकता है स्क्वाट्स करें, परसों हो सकता है कुछ कार्डियो करें, क्रंचेस करें, डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे। सेम रूटीन डेली, अगर मैं सोचूं मैं डेली 100 डिप्स लगाऊंगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और माइंड एंड बॉडी भी बोर हो जाएगी, क्या ये तो डेली एक ही चीज़ करता रहता है। पता है मुझे वीडियो लंबी होने वाली है, रियलिटी है अनकट रहेगा, ऑफकोर्स लंबी होगी, ये आप लोग भी जानते हैं। इसको मैं काटूं, बीच में से निकाल दूं आधा पोर्शन, कुछ उसमें कर दूं, तो ये शॉर्ट हो जाएगी, बट मेन है एक्चुअल आपको दिखाना कि हाँ दिस इज़ व्हाट हैपेंस। 60 रेपिटेशंस हो चुके हैं 2020 के, 3 सेट्स, अगले सेट की तरफ चलते हैं। एक, तीन, चार, सात, आठ। हाँ दोस्तों, इस बार 11 ही लगे, पूरे हाथ चेस्ट सारा भर चुका है, इतना टाइम बाद वर्कआउट किया है।
मुझे नहीं लगता कि आगे और हो पाएंगे, और अगर हो भी भाई तो 10-10 के सेट निकलेंगे, 70 हमारे हो चुके हैं। कोशिश करेंगे 100 कंप्लीट करने की, आप भी कोशिश करना जितना भी आपसे कंप्लीट हो पाए। पहले कभी आपने वर्कआउट नहीं किया है, बिगिनर हो, डिप्स नहीं लगते हैं, आप टारगेट छोटा रख सकते हो। मैंने 100 का रखा है, आप 50 का रख सकते हो, पहले दिन आप 20 का रख सकते हो कि मैं 5-5 के 5 डिप्स मारूंगा, एक सेट में 4 सेट में मारूंगा। ऐसे करके धीरे 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 स्टैमिना इंक्रीज होता है, सबका होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये बताने की आई थिंक मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा सांस चढ़ चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही हो तो थम्स अप देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी नई वीडियोस आपके सामने आती रहे। अगला सेट ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ओके, कोशिश करी 10 रेपिटेशन्स निकालने की। लास्ट वाले सेट, ऐसे लास्ट वाले रेस्ट सेट बोल रहा हूँ, रेपिटेशन्स में आपने देखा नहीं हो पा रहा था, बट कोशिश करने का यही फ़ायदा होता है, कोशिश करते रहें, स्टैमिना बनता जाएगा, और एक दिन आप भी और मैं भी एक सेट में 100 रेपिटेशन्स कर पाएंगे। 80 हो गए, 20 20 20 10 10, अब बचे हैं 20। अब ये जो है वो कहते हैं ना, जब आप पहाड़ चढ़ते हो, जब आप नज़दीक होते हो अपनी मंजिल के, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाले होते हो, वो जो थोड़ा सा सफ़र होता है बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप थक चुके होते हो। सेम मेरे साथ है, पहाड़ चढ़ चुका हूँ ऑलमोस्ट, चोटी बची है, चोटी तक पहुँचने में लेट्स सी कितनी एनर्जी, इतनी ताकत लगती है। दोस्तों करते हैं अपना अगला सेट। एक दो तीन चार पाँच छः आठ नौ दस। दोस्तों फाइनली 90 कंप्लीट हो गए, बहुत थक गया हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, सांस बहुत चढ़ गए हैं, बट रियलिटी आपके सामने लेके आनी है तो लेके आनी है, दिखाना है सारी चीज़ें। एक्चुअल रियल लाइफ में आपके साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोशिश है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की, और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएं। 90 अचीव्ड, 10 रेपिटेशंस लेफ्ट, इसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आज का वर्कआउट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें ब्रेक आप देख रहे होंगे, कोई डेडिकेटेड 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप मॉनिटर करोगे, अगेन माइनर चीज़ें जब आ जाती हैं, वर्कआउट करना रूटीन में रहना टफ हो जाता है। टाइमर लेके बैठोगे, 30 सेकेंड हो गए लेट स्टार्ट, 60 सेकेंड हो गए लेट स्टार्ट, नहीं हो पाता वर्कआउट। आपको जब फील होता है, गुड फील होता है, 20 का रेपिटेशन लिया, उसके बाद गुड फील हो रहा है आपको, 30 सेकंड में ले लो, 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, अगर आपको लग रहा है आप नेक्स्ट सेट ले सकते हो, अगला सेट ले लो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 30 सेकंड वेट करना है तो वेट करना है, या 1 मिनट वेट करना है तो वेट करना है, ना। इट्स अप टू यू, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, एवरीबॉडी नोस, सबको पता है। तो वही चीज़ है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। और आखिरी सेट है, मेरे को लग रहा है अब मेरी थकान और मेरी जो ब्रीदिंग है नॉर्मल आ चुकी है,
अगला सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो हेयर वी गो, 100 रेपिटिशंस पूरे हो गए हैं। 20 20 20, देन 10 10 10 10, फाइनली आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कहेंगे ये वर्कआउट हो गया? यस, बिगनर हो, पहला दिन है, स्टार्टिंग है, स्ट्रेंथ नहीं है, हाथों में पावर नहीं है, ब्रीदिंग लंग्स में आपके इतनी पावर नहीं है, हार्ट बीट आपकी तेज होती है, प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं करी जा सकती। आज मैं आपको बताऊं, मैं डिप्स भी कर लूँगा, स्क्वाट्स भी कर लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ टोटली फेक। फेक नॉलेज, ज्ञान जो बांटा जाता है वो अपने हिसाब से बांटते हैं। बॉडी बिल्डर हैं वो, 10 साल 15 साल 20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, उनका पहला दिन हमारे 365वां दिन जो हमारा होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। उनकी मसल मेमोरी बनी होती है, उनका डेली रूटीन होता है, वो डेली वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, उनका शरीर अडॉप्ट कर चुका है उन चीज़ों को। हमारा शरीर अभी अडॉप्ट करेगा, जब अडॉप्ट कर लेगा उसके बाद हम भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज 100 किया है, कल स्क्वाट्स करेंगे, मे बी क्रंचेस करेंगे, हो सकता है क्रंचेस 50 हो, 100 हो, डिपेंड्स कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, बट हम कोशिश करेंगे रेगुलर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वर्कआउट करें। कुछ ना से कुछ भला, बिल्कुल ना करते थे, एटलीस्ट कुछ तो वर्कआउट किया जाए जिससे थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों इतना ही है, आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, रियलिटी है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन मिलेगी आपको अगली वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।